भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी। भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में जयंती पर हुआ प्रभात फेरी का आयोजन। गुना में भगत सिंह जयंती के उपलक्ष्य में भगत सिंह यादगार मंच की ओर से एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। शास्त्री पार्क के मुख्य गेट पर प्रभात फेरी की शुरुआत ए भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में गीत से की गई है। पुष्प अर्पित करने के उपरांत संचालन करते हुए प्रभात फेरी की शुरुआत की गई। पुष्प अर्पित करके कविता पाठ किया गया। प्रभात फेरी लक्ष्मी पार्क लक्ष्मीगंज होते हुए सदर बाजार में मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए आगे बढ़ रही थी। नई सड़क होते हुए भगत सिंह चौक पर प्रभात फेरी के समापन पर भगत सिंह यादगार मंच के वरिष्ठ सदस्य मुरारी शर्मा ने कहा कि आज के समय भगत सिंह बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। जब भी देश दुनिया में शोषण के खिलाफ आवाज उठती है तो भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद उतना ही प्रासंगिक हो जाता है जो बदलाव की आवाज उठाता है। गैर बराबरी खत्म करके समता मूलक समाज के भगत सिंह के सपने को साकार करने की बात कही। मंच के सह संयोजक लोकेश शर्मा ने कहा, भगत सिंह ने नारा दिया था पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इसलिए भगत सिंह को सिर्फ तस्वीर के रूप में नहीं, भगत सिंह को तस्वीर के साथ विचार के रूप में भी बच्चों को, नौजवानों को, आज की पीढ़ी को जानना चाहिए ताकि शोषण मुक्त समाज बनाया जा सके। समापन कार्यक्रम का संचालन मनीष श्रीवास्तव ने किया। मंच के संयोजक ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र नौजवान शामिल रहे। जीतने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ। किसी तरह तो मेरी नींद का जाल कटे, जाग जाऊं उसको जगाने के लिए काफी। मैं उनको प्रशासन व्यर्थ करते हुए उनको याद करते हुए कहता हूँ, इसी कदम का एक आग्रह ये है कि मेरे बच्चों मुझे दिल खोल करके खर्च करो, मेरे बच्चों मुझे दिल खोल करके खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी। उनकी कमाई हुई दौलत कि अगर आपको रास्ते पर सने सने छोटे छोटे समूह में भी चलेंगे, गुना में मैं बहुत खुश हूँ। बारिश के बीच डीएसओ ने कॉलेज में किया कार्यक्रम। इधर भगत सिंह की 170वीं जयंती के उपलक्ष्य में डीएसओ ने पीजी कॉलेज परिसर में बारिश के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गीत के साथ की गई। कार्यक्रम में कॉलेज के साथियों द्वारा देशभक्ति व जन गीत व कविताओं के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, भगत सिंह एक विचार है। यह उन मजदूर किसान छात्र नौजवानों का विचार है जो इस पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण का शिकार है। भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में देश को आजाद कराने के लिए शहीद हो गए थे और आज के समाज में हम लोग देख रहे हैं कि जिस शोषण मूलक समाज बनाने का सपना भगत सिंह ने देखा था, आज हम लोग उससे काफी दूर हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रहलाद राव ने एवं आभार मोहित मीना ने रखा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारी बारिश के बीच में छात्र छात्राएं मौजूद रहे।